गुड मॉर्निंग, कैसे हैं भाई आप लोग? सभी लोग बढ़िया हैं? जबरदस्त। चलिए, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? निखिल, सौरभ, मोहन, अभिषेक, आरती, बताओ कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हाँ, बिल्कुल लेट है, बिल्कुल लेट है आरती जी। आज आज हम लेट हैं। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट कंप्लीट हो गया था। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ते हैं तब। आज वेब पोर्टल क्या होता है? ठीक है, वेब पोर्टल, सॉरी वेब पोर्टल कह रहे हैं, वेब एड्रेस। वेब एड्रेस क्या होता है इसको देखते हैं। ठीक है, अगर वेब एड्रेस की बात करें हम लोग, देखो मैंने बताया था आप लोगों को ना कि जो हमारा आईपी एड्रेस होता है वो किसी का एम डिसाइड करता है, किसको कहां पे जाना है वो डिसाइड करता है। वेब एड्रेस क्या करता है कि एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। पहली चीज, हमारा सारा कंप्यूटर किससे कनेक्ट होता है? इंटरनेट से। और सबके अलग अलग यूनिक क्लासेस होते हैं। क्या होते हैं? यूनिक क्लासेस होते हैं। इसका मीन ये होता है आपका कि सबके अलग अलग क्लास डिसाइड होते हैं। क्लियर? क्या होता है क्लास डिसाइड? जैसे मान लो क्या हुआ कि हम लोगों, भाई ऐसे हम लोगों को कहना नहीं चाहिए, जैसे हम लोगों में क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्लासेस डिसाइड है ना, कि हिंदू है तो मंदिर में ही जाएगा, मुस्लिम है तो मस्जिद में ही जाएगा। ऐसा होता नहीं है, कहीं भी जा सकता है। ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूं जैसे एक एग्जांपल, ऐसे ही हमारी क्लासेस डिसाइड होती हैं कि अगर इंडिया की वेबसाइट है, डॉट सॉरी डॉट इन लगा हुआ है तो इंडिया की वेबसाइट होगी, अगर डॉट पीके लगा हुआ है किसी वेबसाइट में तो पाकिस्तान की वेबसाइट है। मतलब इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, क्लासेस को डिसाइड कर लेते हैं, क्लासेस को डिवाइड कर लेते हैं। बात समझ में आई? यही होता है हमारा वेब एड्रेस। एक्चुअली में अगर हम लोग बात करें एक निश्चित वेबसाइट तक हमें पहुंचने के लिए, एक बात ध्यान रखना, एक निश्चित वेबसाइट तक हमें पहुंचने के लिए किसी न किसी डोमेन की आवश्यकता जरूर पड़ती है। बात समझ में? किसी भी एक निश्चित वेबसाइट तक हमें पहुंचने के लिए हमें डोमेन की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर? जैसे मान लो क्या होता है डोमेन, अगर हम डोमेन की बात करें, डोमेन तो ये हम लोग होस्ट प्लस डोमेन भी कह सकते हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ये भी पता है कि किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए, किसी भी नॉर्मल से नॉर्मल वेबसाइट को हमें बनाने के लिए हमें डोमेन प्लस होस्ट की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर? क्या होता है, हमें डोमेन प्लस होस्ट की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम ये दोनों चीज परचेस नहीं करेंगे तो कोई भी वेबसाइट बना नहीं सकता, कोई भी वेबसाइट आपके www पे पोर्टल पे अपडेट नहीं कर सकता। बात समझ में आई? ये होता है आपका क्या, वेब एड्रेस। एक्चुअली में अगर हम लोग वेब एड्रेस की बात करें, अगर होस्ट की बात करें या फिर हम लोग डोमेन की बात करें, तो डोमेन कैसे पहचानते हैं, जो आपके वेबसाइट के लास्ट के डिजिट्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, मैं कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों को डोमेन का लिखवा देता हूं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो .co का नाम आपने सुना होगा, कभी कभी देखा होगा कि बहुत सारी वेबसाइटों के लास्ट में लिखा रहता है .co। तो .co का जो मतलब होता है वो होता है कंपनी। वो डिसाइड करता है, वो आपको वहीं पे बताता है
कि ये जो .co इस वेबसाइट के पीछे लगा हुआ है, ये किसी कंपनी का दृश्य दर्शा रहा है, या फिर ये बता रहा है कि ये किसी कंपनी की वेबसाइट है। देखो, ये पहचानने का तरीका, वेब एड्रेस में हम लोग एड्रेस के साथ साथ उसे पहचानने का तरीका भी जानते हैं कि कौन सी जो वेबसाइट है वो किस से रिलेटेड होगी, यानी उसका रिलेशन किस चीज से होगा। बात समझ में आई? तो जो .co लगा होता है, इसका मतलब होता है आपका कंपनी। क्या होता है? आपका कंपनी होता है। क्लियर? कहीं भी वेबसाइट में अगर .co लगा हुआ है तो उसे हम लोग कंपनी समझेंगे। अगर .com लगा हुआ है, क्या लगा? .com आप लोग बहुत जानते होंगे, तो इसका मतलब होता है कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम लोग कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ठीक है, तो कैसे होता है इस चीज को समझो। जैसे मान लो क्या होता है, पहली बात तो कॉमर्शियल जानते ही हो कि ये व्यावसायिक में आ जाता है। कहीं भी कॉमर्शियल का मतलब क्या होता है? व्यावसायिक। ऑर्गेनाइजेशन मतलब संस्था। आपको पता है कि जब हमें कोई भी संस्था चलानी हो या फिर हमें कुछ भी स्टार्टअप करना हो बिजनेस सेक्टर से, ठीक है, तो हम लोग .com ही लेते हैं। मैक्सिमम जो वेबसाइट मिलती है एक्चुअली में, जो सस्ती भी होती है थोड़ी सी, जो मतलब जो कॉस्टली नहीं होता है वेबसाइट, जिसका डोमेन थोड़ा सस्ते में मिल जाता है, वो .com होता है। आप लोग बहुत सुने होंगे कि google.com, तो आपने सुना होगा कि जो भी मतलब बहुत सी वेबसाइट होती है जिसके लास्ट में .com लगा होता है। क्या लगा होता है? .com लगा होता है, ठीक है। सॉरी, .com लगा होता है, ठीक है। इसके बाद आपका होता है .edu। .edu भी सुना होगा आपने। क्या सुना होगा? .edu का नाम भी आपने सुना होगा। अगर ईडीयू की बात करें तो ईडीयू का मतलब क्या हो सकता है, बताइए आप लोग कमेंट के माध्यम से। अगर किसी भी वेबसाइट के लास्ट में ईडीयू लगा हुआ है तो ईडीयू का मतलब क्या हो सकता है, बताइए कोई वेब कमेंट करके बताइए भाई। सभी लोग, ये तो इजी लग रहा है, देखने से पता चल जा रहा है। बिल्कुल, एजुकेशन, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब क्या होगा आपका? एजुकेशन। एजुकेशन। अच्छा, एक बात बताइए, इस समय सभी लोगों के स्टोर में, स्टोर जो आप लोगों का ऐप का ऑप्शन है स्टोर, उस स्टोर में एक ऑप्शन शो करने लगा होगा, ओ लेवल जुलाई 2021, सबके में शो कर रहा है ना, बताइए तो। ये सबके स्टोर में शो कर रहा है, एक बार हमें क्लियर कर दीजिए। जो ऐप में स्टोर है उसमें ये ऑप्शन शो कर रहा है। कल कल ऐड हो गए थे आप लोग दिन में, सभी लोग, ठीक है। और अब आप लोगों को, हाँ, अब आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे कोई भी हो और कहीं भी हो, अब आप लोग उसमें सारी सुविधाएं ले सकते हैं ऐप में, ठीक है। चेक कर लीजिएगा सभी लोग, चेक कर लीजिएगा कि आपके ऐप में। हाँ, हिमांशु यादव भाई, इसीलिए लगवाया हमने, ये जो आप लोगों के लिए अलग से हमने एक्सपेंस करके ये बनवाया, ठीक है। ये आप लोग अब चेक करिए, आप लोग स्पीड बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, क्वालिटी घटा सकते हैं, वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, बस शेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं आप, यहाँ से आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, A to Z, जितना आपकी आवश्यकता होगी यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब आप लोग को एक बार करके देख लेना, ठीक है। और सबके में ऐड भी हो गया है, और जो भी वीडियोस जो वीडियोस चलती रहेंगी वो दूसरे दिन क्या होती रहेंगी, उसमें अपडेट होती रहेंगी, ठीक है। चलो, ये प्रॉब्लम आप लोगों की सॉल्व हो गई है। चलो,
ये क्या होता है, ईडीयू का मतलब होता है एजुकेशन। क्या होता है, ईडीयू का मतलब होता है आपका एजुकेशन। अच्छा जी, और जो हमारा कभी कभी देखेंगे आप जो है लास्ट में लगा होता है इन्फो, क्या लगा होता है, डॉट इन्फो। इन्फो का मतलब होता है कि कोई वो इंफॉर्मेटिव वेबसाइट है। इन्फो का मतलब एक्चुअली में होता है इंफॉर्मेशन, यानी कि अगर किसी भी वेबसाइट के लास्ट में लगा हुआ है डॉट इन्फो तो इसका मतलब होता है कोई ना कोई वो इंफॉर्मेटिव वेबसाइट है, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन देने वाली वेबसाइट है जो आपको क्या करेगी, इंफॉर्मेशन देगी। क्लियर, ये होता है आपका। उसके बाद कभी कभी डॉट नेट लगा होता है, कभी कभी डॉट क्या, डॉट नेट लगा होता है, तो इसको हम लोग नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। यानी कोई भी नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन अगर है तो वहां पे क्या लगा रहेगा, डॉट नेट लगा रहता है। क्या लगा रहता है, डॉट नेट लगा रहता है, ठीक है, जिसको हम लोग नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, यानी कि जो नेटवर्क जाल वाला आपका संस्था होता है उसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, क्लियर। इसके बाद आपका होता है डॉट जीओवी, जिसे हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अगर कहीं पे भी लगा हुआ है डॉट जीओवी तो ये समझिएगा आप कि उसको कहते हैं हम लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। क्या कहते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है, सबको नहीं समझ में आ रहा है राइटिंग। नवीन, रमेश, मोहन, सुब्रा, बताइए भाई, ये राइटिंग समझ में नहीं आ रही सबको। तो अपने सौम्या आप थोड़ा सा सुधार करिए, ठीक है, थोड़ा सा आप सुधार करिए, इससे साफ अब कितना साफ कौन लिखेगा यार, गजब हो तुम भी। मतलब ये बोर्ड है, कोई कॉपी पेन नहीं है, यहाँ पे जिसकी बहुत सुंदर राइटिंग होती है वो भी आके यहाँ कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे जिसकी बहुत सुंदर राइटिंग रहती है वो भी आकर के यहाँ जो है चूहा बिल्ली बनाने लगता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी तो गंदी राइटिंग हो ही जाएगी, है ठीक है, इसको थोड़ा मैनेज करने की कोशिश करो सौम्या, ठीक है, और सबको समझ में आ रहा, सिर्फ आप ही को नहीं समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब प्रॉब्लम आप में है, ठीक है। हिमांशु यादव ऐड हो भैया, ऐड हो साहब, आप ढूंढ नहीं पा रहे हो, आप ऐड हो, ठीक है, हाँ दिक्कत होगी तभी 9 बजे आप हमको फोन कर लीजिएगा, हम चेक करा देंगे आप कहाँ हैं, ठीक है। इसके बाद एक एक हो गया बस, अब क्या, डॉट सीओ, डॉट कॉम, डॉट एजुकेशन, डॉट इंफॉर्मेशन, डॉट नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन, डॉट जीओ, एक और होता है डॉट ओआरजी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डॉट ओआरजी। ओआरजी को एक्चुअली हम लोग कहते हैं नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, क्या कहते हैं, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है, बात समझ में आई, हाँ। बात समझ में आई, ये आपका हो गया क्या, वेब एड्रेस, ये हमारे इंडिया के अंदर की वेब एड्रेसेस हैं जिनको हम लोग रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं, इतना ही नहीं है बहुत सारे हैं। इसके बाद डॉट एलटीडी है, डॉट कैप, मतलब एक प्रकार से, और इसके बाद भी इतना ही नहीं, ये तो एक कॉमन से डोमेन
डोमेन है, जिन्हें हम लोग जानते हैं, जिन्हें हम लोग देखते हैं, जिन्हें हम लोग सोचते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, आप जिस तरीके से भी, आप जिस तरीके से भी इस पे काम करना चाहते हो, जैसी वेबसाइट बनाना चाहते हो, कभी कभी आपने देखा होगा कि जो आपकी रजिस्टर्ड मतलब थोड़ी हाई लेवल की संस्था होती है, हाई लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, हाई लेवल की कंपनियां होती हैं, उनके आगे .com, .info, .gov ये सब कुछ नहीं लगा होता है, उनका नाम लगा होता है। कभी कभी अपने आपने देखा होगा, जैसे कभी कभी आपने SBI का ले लो, ठीक है, जैसे उनका क्या रहेगा, मान लो अगर उनकी वेबसाइट की बात करें हम लोग, तो उनकी वेबसाइट कैसे रहती है बताता हूं आपको अभी। उनकी वेबसाइट रहती होगी कि जैसे मान लो उनकी वेबसाइट रहती होगी आपकी www.allahabad.sbi, ऐसे करके उनकी वेबसाइट रहती होगी, आपने देखा होगा ये, ठीक है। हाँ बात समझ में आई, ये ऐसे करके रहती होगी। एक्चुअली में ये जो वेबसाइट्स आपकी होती हैं, ये डोमेन के ऊपर डिपेंड करता है। जब आप जो है कॉस्टली डोमेन लेते हैं, तो आपको ईमेल आईडी भी प्रोवाइड करता है, आपको वेबसाइट भी प्रोवाइड करता है, ये सारी चीजें आपके अकॉर्डिंग डेवलप करता है। बात समझ में आई। और नॉर्मली आप डोमेन कोई लेना चाहते हैं तो फिर .ltd, .co, .com, .edu, .gov, .info ये सारी चीजें हम लोग ले सकते हैं। बात समझ में आई। ये एड्रेस होती है आप लोगों को, ये क्या होता है, आपका एड्रेस होता है, इसे हम लोग वेब एड्रेस के नाम से जानते हैं। ये तो मान लो आपके इंडिया के अंदर का देख लिया, हम देख लेते हैं आपके दो चार ठो देख लेते हैं, कंट्री एड्रेसिंग सिस्टम, जैसे मान लो हम लोगों ने क्या डाला .in, .in का मतलब क्या होता है, इंडिया, ठीक है। अगर यहीं पे डाल दे .pk तो इसका मतलब क्या होता है, पाकिस्तान, ठीक है। इसके बाद आपका हम लोग बहुत सारा चीज लिख सकते हैं, .uk, यूनाइटेड किंगडम, .jp, जापान, .ca, कनाडा, ऐसे बहुत सारी चीजें होती। ये आपके एक, मैं मतलब आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल लिखवा रहा हूँ कि ये ऐसे एड्रेसिंग कंट्री का सिस्टम होता है। बात समझ में आई। एक्चुअली में ये मैं आपको एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो जाए कि होती कैसे हैं, समझने की कोशिश करो, बाकी इसे आप लिख लोगे आंख बंद करके, इसकी गारंटी मेरी है, ठीक है। हाँ ये आपका क्या हो गया, एड्रेसिंग सिस्टम हो गया कंट्री लेवल का, ठीक है। चलिए बिल्कुल, ये यहां तक समझ में आया आप लोगों को, वेब एड्रेस समझ में आया, वेब एड्रेस टॉपिक हम लोगों की क्लियर हो गई, सबको क्लियर हो गई तो बताइए, वेब एड्रेस टॉपिक सबकी क्लियर हो गई। होस्ट स्पेस होता है पीयूष सिंह, होस्ट क्या होता है, स्पेस होता है, जो डोमेन होता है वो लास्ट में लगा होता है। अगर कहीं पे भी होस्ट नहीं लेंगे हम लोग तो वो आपका स्पेस नहीं देगा कि आप लोग अपने सर्वर को रखेंगे कहां, अपने डेटा को रखेंगे कहां, ठीक है। बात समझ में आई, अपने डेटा को हम लोग रखेंगे कहां, जहां रखेंगे, होस्ट और डोमेन दो के बिना नहीं चल सकता, ठीक है। हाँ नहीं नहीं डोमेन, डोमेन के अंदर ही होस्ट आता है, होस्ट का कोई विशेष रूप नहीं है, डोमेन और होस्ट सेम होता है, ठीक है। चलो इसके बाद अगली टॉपिक जो है आपकी वो URL है, URL आपने सुना होगा, URL नेम, चलो बताओ सभी लोग URL का फुल फॉर्म क्या होता है,
जल्दी बताओ, सभी लोग बताइए यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है। यूनिवर्सल रिसोर्सेज लोकेटर। हाँ, यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर, बिल्कुल। सभी लोगों के कमेंट्स आने चाहिए, सभी लोगों के कमेंट्स आने चाहिए, ठीक है। यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर होगा, ठीक है। चलो देखो, कंप्लीट एड्रेस ऑफ वेबसाइट इज कॉल्ड, बात समझ में आई, किसी भी वेबसाइट की जो कंप्लीट, किसी भी एड्रेस की जो कंप्लीट वेबसाइट होती है उसे हम लोग यूआरएल के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? देखो, यूनिवर्सल भी लोग कहते हैं आरती, ठीक है, लेकिन यूनिफॉर्म मानो तुम, यूनिवर्सल और यूनिफॉर्म, यूनिवर्सल भी लोग कहते हैं ऐसी बात नहीं, लेकिन यूनिफॉर्म इज अ करेक्ट, ध्यान रखना, ठीक है। हमने क्या बताया आपको कि जो आपका कंप्लीट एड्रेस की जो एड्रेस जो वेबसाइट होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? यूआरएल के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये हमेशा यूनिक वेब पेज को क्रिएट करने की कोशिश करता है, ध्यान रखना, ये हमेशा यूनिक होता है, ये हमेशा क्या होता है? अलग होता है, बात समझ में आई? ये हमेशा क्या होता है? यूनिक होता है, कोई भी यूआरएल सेम नहीं हो सकता, सारे यूआरएल अलग अलग होते हैं। जैसे ही आप कुछ भी ओपन करोगे तुरंत यूआरएल आपका चेंज हो जाएगा, बस समझ में आई? क्या होता है आपका यूआरएल आपका वहीं पे चेंज हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा, आराम से वहां पे आपका यूआरएल चेंज हो जाएगा। आप कोई दूसरी वेबसाइट खोलोगे यूआरएल चेंज, आप तीसरी वेबसाइट खोलोगे यूआरएल चेंज, ऐसे होता है। क्या होता है? यूआरएल चेंज होता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल की बात करें, अगर एक एक एग्जाम्पल की बात करें तो हम लिख देते हैं आपको कंप्लीट वेबसाइट क्या होता है। जैसे मान लो हम लोगों को एक वेदर के बारे में चेक करना है, प्रयागराज के वेदर के बारे में चेक करना है वेबसाइट पे, मान लो एग्जांपल कि हमें चेक करना है कि आज इलाहाबाद में कैसी धूप है या फिर बारिश होने की संभावना है कि नहीं है, वेदर चेक करना है इंटरनेट पे। तो हम लोग कैसे चेक करते हैं इस चीज को जानो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? HTTPS लगाते हैं। ये प्रोटोकॉल्स होते हैं, ये आपको अभी अगर नहीं समझ में आएगा तो परेशान मत होइएगा, इसके बाद वाली जो टॉपिक होगी आपकी प्रोटोकॉल्स होगी तो प्रोटोकॉल्स में समझ में आ जाएगा, ठीक है। HTTPS लगाएंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे? कोलन, फिर डबल बैक स्लैश। क्या लगाएंगे? कोलन के बाद डबल बैक स्लैश लगाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे www.google.com। यही तो हम लोग करते हैं ना, सबसे पहले कहाँ जाते हैं? गूगल पे जाते हैं, सबसे पहले कहाँ जाते हैं? सर्च करते हैं गूगल को कि हम लोग, हाँ हम लोग क्या करते हैं? गूगल पे जाते हैं भाई, कोई भी चीज जब हमें सर्च करना होता है तो हम लोग गूगल पे ही तो सर्च करते हैं ना, हम लोग कहाँ सर्च करेंगे भाई? गूगल पे सर्च करेंगे, सीधी सी बात समझो, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा आपका? https://google.com, इसके बाद आपका हो जाएगा बैक स्लेस। जैसे ही हम लोग बैक स्लेस का यूज करते हैं, एक बात जान लो, इसका मतलब होता है कि अब हम लोग इसके अंदर चल रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग इनके अंदर की चीजें ढूंढेंगे, इसके किसके अंदर की चीजें। तो इसके बाद हम लोग क्या डालेंगे? वेदर, वेदर। अब हम लोग को वेदर सर्च करना है, ठीक है। क्या सर्च करना है? वेदर सर्च करना है भाई, हमें इन्वायरमेंट के बारे में जानना है, वेदर सर्च करना है। उसके बाद हम क्या सर्च करेंगे?
यूपी या फिर उत्तर प्रदेश, फिर हम क्या सर्च करेंगे, प्रयागराज। क्या सर्च कर देंगे, प्रयागराज। क्या सर्च करेंगे, प्रयागराज सर्च करेंगे। उसके बाद आपका बस कंप्लीट, या फिर यहां पर कभी कभी डॉट एचटीएमएल भी लिखा रहता है, ये आपका हो गया एक कंप्लीट यूआरएल। ध्यान देना, ये क्या है, एक आपका कंप्लीट यूआरएल है, एक कंप्लीट वेबसाइट का कंप्लीट यूआरएल है। क्लियर? यानी कहने का मीन क्या हुआ, कहने का मीन क्या हुआ कि आपके जो भी एक कंप्लीट एड्रेस होता है उसे हम लोग यूआरएल के नाम से जानते हैं। तो ये आपका कंप्लीट एड्रेस है, यानी आपकी चीजें भी यहां पे मिल गई, काम भी हो गया और कंप्लीट वेबसाइट भी हम लोगों ने देख लिया। बस समझ में आ रही है ना, कंप्लीट वेबसाइट भी हमने देख लिया। यानी कहने का मीन क्या हुआ, अब इसको समझाते हैं ये कैसे पार्टीशन होता है। ठीक है, कैसे आपका पार्टीशन होता है इस चीज को भी आप जान लो। सबसे पहले लगा होता है आपका HTTPS, इसे हम लोग प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं, प्रोटोकॉल के नाम पे जानते हैं। प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, सेट ऑफ रूल्स यानी आपके नियमों का समूह। क्या होता है, नियमों का समूह। ठीक है, इसके बाद आपका www जो google.com है, इसे हम लोग कहेंगे फुल डोमेन नेम। क्या कहेंगे, फुल डोमेन नेम, या डोमेन नेम भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पे हम लोग क्या देंगे, फुल डोमेन नेम। फुल डोमेन नेम के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे कंप्लीट डोमेन नेम कहते हैं, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, ये आपका हो गया कंप्लीट डोमेन नेम, और होस्ट भी कह सकते हैं, पार्टीशन देकर के होस्ट भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग क्या कहते हैं, जो उसके बाद जितने भी आपके पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जितने भी आपके उसके अंदर के इंटरनल चीजें होती हैं, उसे हम लोग पाथ ऑफ वेब पेज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, इसे हम लोग कंप्लीट अगर देखें, इसे हम लोग कह सकते हैं पाथ ऑफ वेब पेज। किसके नाम जानते हैं, पाथ ऑफ वेब पेज के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। बात समझ में आई, यही होता है आपका एक कंप्लीट यूआरएल। ये होता है क्या, आपका एक कंप्लीट यूआरएल। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ बताइए भाई, यही होता है एक कंप्लीट यूआरएल। अब अपने हिसाब से आप लोग इसको बना सकते हैं, जितना बड़ा उतना, जितना मन करे उतना बड़ा लिख सकते हैं वेबसाइट को, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अंत तो किसी का नहीं है, इनफाइनाइट तक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप सर्च करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, जितना अंदर जाना उतना अंदर जाओ। ठीक है, बस चीजें वहां पे अवेलेबल होनी चाहिए, जब चीजें वहां पे अवेलेबल होंगी तो आपका काम जबरदस्त और बढ़िया तरीके से चलेगा। यूआरएल सबको क्लियर हुआ बताइए भाई, सौरभ, शुभ्रा, मनोज, सौम्या, ये कौन, रमेश, आरती, नवीन, मोहन, सबको क्लियर हुआ? नहीं होगी तो खत्म हो जाएगी और क्या। चलो ठीक है, क्लियर हुआ, अच्छी बात है। एक छोटी सी टॉपिक इसके बाद और बचती है, जिसे हम लोग ISP के नाम से जानते हैं। मैंने बताया था कि ये सब टॉपिक आपको आएगा लास्ट में, मतलब इस टॉपिक में। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। किसके नाम से जानते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के नाम से जानते हैं। ठीक है, हाँ देवेश जी, मैंने जो आपको दिया हुआ है, आपका क्या नाम है, यूनाइटेड किंगडम और यूएस का यूनाइटेड स्टेट। ठीक है सौम्या, चलो ठीक। देखो
आईएसपी क्या होता है ये भी जान लो आप। मैंने कई बार आईएसपी बोला था अभी कल की कि परसों की क्लास में कई बार बोला था, ठीक है। अगर हम आईएसपी की बात करें, किसकी बात करें, आईएसपी की बात करें, इसे हम लोग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। इसी वर्ड से ही क्लियर जा रहा है एक्चुअली में यह है क्या, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी इसका काम क्या होता है, इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करना। बात समझ, इसका काम क्या होता है, इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करना ही क्या होता है, हमारा आईएसपी के नाम से जानते हैं, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। अगर इसे हम लोग कहें, जो भी कंपनी इंटरनेट प्रोवाइड करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आईएसपी के नाम से जानते हैं, ठीक है। किसके नाम से जानते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल भैया, ज्योग्राफिक डोमेन नेम होते हैं, मैंने ही बताए हैं, ठीक है। चलो अगर हम बात करें आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की, तो सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी ऑफ इंटरनेट इज कॉल्ड आईएसपी। वो कंपनी जो इंटरनेट का सर्विस प्रोवाइड करे उसे हम लोग आईएसपी के नाम से जानते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के नाम से जानते हैं। देखो आज के समय में आपके दो टाइप्स के इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं। लोग कहते हैं कि दो टाइप्स के इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले की, किसकी बात करें, सबसे पहले की बात करें, एक होता है डायलअप, एक और होता है ब्रॉडबैंड, जान लो आप लोग। ठीक है, एक होता है डायलअप और एक होता है ब्रॉडबैंड। अगर हम डायलअप की बात करें तो वो इंटरनेट जो इंटरनेट आपके फोन में यूज किया जाता हो, किसमें यूज किया जाता हो, फोन में, और ये इंटरनेट जो आपके ब्रॉडबैंड में यूज किया जाता है। बात समझ में, किसमें यूज किया जाता है, ब्रॉडबैंड में यूज किया जाता है, इसे हम लोग कहते हैं, ये हमारे होते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, डायलअप और ब्रॉडबैंड। एक्चुअली में क्या होता है, ये जो डायलअप होता है ये आपके फोन को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है। किसको प्रोवाइड करता है, हाँ बिल्कुल सही बात है, हमारा कनेक्शन जोड़ने के काम में आता है, लेकिन ये फोन के इंटरनेट को, ठीक है। और जो आपका ब्रॉडबैंड होता है वो क्या होता है, आपका हम लोग राउटर वगैरह यूज करके अपने इंटरनेट स्पीड को अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। बात समझ में आई, क्या करते हैं, अपने अपने अकॉर्डिंग उस स्पीड को ले सकते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं। एक्चुअली में होता क्या है, आपने सुना होगा कि सबसे कम स्पीड अगर कोई मिलता है तो वो होता है 64 के डायलअप के लिए, ठीक है, सॉरी 56 के, ठीक है। और इसके बाद की बात करें हम लोग तो मैक्सिमम जितना स्पीड आप ले सकते हो, 10 Mbps, 200 Mbps, 500 Mbps, 1 Gbps, इस तरीके से आप जो है आप जितना ले सकते हो स्पीड अपने अकॉर्डिंग स्पीड ले लो। जैसे अब हम लोगों को YouTube पे वीडियो लाइव अपलोड करना रहता है तो विदाउट 200 Mbps स्पीड के हो ही नहीं पाएगा, बिना 200 Mbps के स्पीड से क्वालिटी का वीडियो अपलोड ही नहीं हो पाएगा लाइव। तो क्या होगा, हमें आईएसपी जो है वो ब्रॉडबैंड वाली लेनी है, लिया है, ठीक है, क्योंकि मोबाइल वाली तो इतना स्पीड दे नहीं सकती, तो ब्रॉडबैंड वाली स्पीड क्या हम लोग हाई लेवल की लेते हैं, जिससे क्या करते हैं कि लाइव वीडियोस, लाइव क्लासेस अपनी चला पाते हैं, लाइव वो सारी चीजें कॉन्टिन्यू चल पाती हैं। ये है आपका आईएसपी, यानी जो भी आपके इंटरनेट के सर्विस को प्रोवाइड करता है पब्लिक में उसे हम लोग आईएसपी के नाम से जानते हैं। जैसे आप लोग बहुत सारे सुने होंगे BSNL, पहले MTNL था, ठीक है, BSNL, MTNL, और उसके बाद आपका बहुत सारा आ जाएगा, जैसे आप लोगों ने सुना होगा टाटा टेलीकम्युनिकेशन, एयरटेल,
एयरटेल, एयरटेल हो गया आपका, सीफी हो गया आपका, रिलायंस हो गया आपका, मतलब बहुत सारे जो भी आपकी कंपनियां होती हैं जो आपके आईएसपी प्रोवाइड करती हैं, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है मार्केट में। एक्चुअली में हुआ क्या ना कि इंटरनेट आया था तो वीएसएनएल ने, विदेश संचार निगम लिमिटेड ने उसे ले लिया था। बात समझ में क्या किया, विदेश संचार निगम लिमिटेड ने उसे ले लिया। अब उसने उन कंपनियों को सर्विस प्रोवाइड करने का मौका दिया जो कंपनियां मार्केट में चल रही थी। तो ये सब जो प्राइवेट कंपनियां हैं आपकी, ठीक है, जो आपकी प्राइवेट कंपनियां हैं, जो प्राइवेट कंपनी चल रही है आपकी, वो इन्हीं की देन है। जब इंटरनेट आया तो वहां से सत्यम इन्फो पहली प्राइवेट कंपनी ली, फिर उसके बाद ये लोग आए और ये लोग क्या किए, पूरे मार्केट में, पूरे इंडिया के कोने कोने में इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए इन्होंने क्या लिया, वहां से काम। हाँ बिल्कुल, लैंडलाइन भी कह सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ऐसे हमारा क्या हुआ, आईएसपी का विस्तार हुआ और इसी को हम लोग आईएसपी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, आईएसपी के नाम से जानते हैं। इतनी बात समझ में आ गई सबको, क्या नहीं मिला आपको अमित शुक्ला जी, सब आपको मिला होगा भाई। ऐप में देखो यार, ऐप में अब सब अवेलेबल है, आप परेशान ना हो, मैं खुद ही अभी मैं चेक कर लूंगा। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो आप कॉल कर लीजिएगा, आपको पूरा सलूशन, और कल तक आप लोगों को एक मैं मोबाइल नंबर दूंगा, ठीक है। अच्छा, डाउनलोड नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं। सुनिए, कल मैं आप लोगों को, आप लोग याद दिलाना हमें, कल एक मैं आपको अनूप सर का एक नंबर दूंगा, ठीक है, जो आपके अनूप सर हैं उनका एक नंबर दूंगा, एक मोबाइल नंबर दूंगा, ठीक है, जिस पे आप कॉल करके अपना अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम, आप लोग कॉल कर सकते हैं दोपहर 12 PM से लेकर के 8 PM तक। इस टाइम पे कल मैं एक मोबाइल नंबर दूंगा जिस पे अपने टेक्निकल इशू आप लोग सॉल्व करा सकते हैं, ठीक है, ध्यान आप लोग रखिएगा। कोई बात नहीं, मेरा नाम नहीं जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो, अगर हम एक छोटी सी आपको इंफॉर्मेशन दें, एक आपको हम बताएं कि कैसे हमारा इंटरनेट आया। आप लोगों ने अर्पानेट का नाम सुना होगा, अर्पानेट, सबको पता है कि इंटरनेट हमारा यहीं से स्टार्ट हुआ। बात समझ में आई सबको, स्टार्ट सबको पता चला कि अर्पानेट जो है हमारा, यहीं से इंटरनेट हमारा स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ये भी पता है कि हाँ, अर्पानेट यूएस से स्टार्ट हुआ, कहां से स्टार्ट हुआ, यूएस से। अब इसके बाद जब इन्होंने आर रेडी कर लिया, अब इनको पब्लिक करना था। कुछ लोग कहते हैं, हाँ कुछ लोग कहते हैं कि ये 1989 में पब्लिक किया गया, कुछ लोग कहते हैं 1990 में। तो 1990 नॉर्मली मान के चलते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, अगर हम बात करें आपके अर्पानेट की, ठीक है, तो यहां से हमारा स्टार्टअप हुआ। अब इन्हें क्या हुआ, इंडिया में कैसे आए, इस चीज को जानिए। इंडिया में आने के लिए, इंडिया में आने के लिए ना, इनके पास दो ऑप्शंस थे। पहला था एयर, हवा के माध्यम से, और दूसरा माध्यम था अंडर सी, समुद्र के नीचे से। बात समझ में आई, हाँ बात समझ में आई कि नहीं आई। इनके पास दो ऑप्शन था, या तो वो हवा के माध्यम से लेके जाएं, भाई इंटरनेट को लाना तो है ही इंडिया में, या तो हवा के माध्यम से लेके आए केबल को खंभे गाड़ के, और दूसरा ऑप्शन है उनके पास
या तो समुद्र के नीचे से लेके आए, किसके नीचे से, समुद्र के नीचे से लेके आए, ठीक है। इन्होंने कहा कि अगर हम लोग हवा में लेके जाएंगे तो आंधी तूफान और जो भी हमारे एरोप्लेन्स वगैरह जाती हैं वो क्या करेंगे, तोड़ने का डर रहेगा। ये जो एक्चुअल में केबल आया है इंडिया में, जो आपका इंडिया में केबल आया है वो आपका किसके नीचे से आया, समुद्र के नीचे से आया हुआ है। जो भी आपके ऑप्टिकल केबल वगैरह आए हुए हैं ये सब कहाँ से, समुद्र के नीचे से आए हुए हैं, यानी जो आपका समुद्र है इसके नीचे से केबल को लेके गया गया है, एक बात जान लो आप, इंडिया में आया, ठीक है। और इंडिया में आने के बाद इन्होंने क्या किया, VSNL को दिया, विदेश संचार निगम को लिमिटेड को दिया, और विदेश संचार निगम लिमिटेड को देने के बाद आपका अब इन्होंने प्राइवेट कंपनियों को बांटना शुरू किया। फिर उसके बाद वही आपका क्या हुआ, एयरटेल, सीपी, रिलायंस और बहुत सारी कंपनियां जो हैं लेकर के ISP प्रोवाइड करना शुरू कर दी। और ये ISP जब प्रोवाइड करना शुरू किए तो फिर क्या हुआ, ISP जितने थे वो क्या किए, पब्लिक को इंटरनेट पहुंचाना शुरू कर दिए। इस तरीके से हम लोगों के पास तक का इंटरनेट आया, हम लोगों के पास इंटरनेट उपलब्ध हुआ, और आज इंडिया में कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पे इंटरनेट अवेलेबल ना हो, कोई ऐसा कोना नहीं बचा है, एक आध दो जगह छोड़ के जहां पे इंटरनेट अवेलेबल ना हो, जो एकदम पिछड़ा हुआ इलाका ना हो उसे छोड़ करके हर जगह इंटरनेट पहुंचा हुआ है। और अगर ब्रॉडबैंड नहीं पहुंचा हुआ है तो कम से कम उसको मोबाइल वाला डायलअप वाला कनेक्शन तो मिला हुआ है, बात समझ में। इस तरीके से हमारे नेटवर्क का और इंटरनेट का विकास हुआ, क्लियर, समझ में आई बात, समझ में आई सबको बात, बताइए समझ में आया इंटरनेट की शुरुआत कैसे हुई, वेब, उसका वेब एड्रेस क्या होता है, और साथ में ही हम लोग उसका पढ़ लिए URL, ISP पढ़ लिए, और हम लोग इंटरनेट को कनेक्ट कैसे हुआ ये पढ़ लिए, ठीक है। सबके कमेंट्स आने चाहिए भाई, देखो पता चलता है कौन कौन यहाँ पे देख रहा है, ये पता चलता है तो कमेंट सबके आएंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है। और कोई प्रॉब्लम है तो बताओ यार, उसका सलूशन हम निकालेंगे, आप लोगों का सलूशन हम निकाल रहे हैं, ठीक है, बस समझ में आई, आपके जो हैंड रिटन नोट्स का प्रॉब्लम है उसका सलूशन हम निकाल रहे हैं। चलो ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको, चलिए अच्छी बात है अगर क्लियर हो गया तो, ठीक। हाँ नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सलूशन हम निकालेंगे, ठीक है। हम लोग रात भर दिन भर इसीलिए काम करते हैं कि आप लोगों के प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सके, सिर्फ इसीलिए, और कोई हम लोगों के पास वो नहीं है, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, बस इसीलिए, ठीक है। हाँ पीयूष शुक्ला, मैं हैंड रिटन नोट्स की व्यवस्था कर रहा हूँ, हैंड रिटन नोट्स मैं मंगवा कर उसे टाइप करवाऊंगा और टाइप करवा के दे दूं, कि आपको उसका मैं PDF फोटो भेज दूं किसी लड़के का, बताइए क्या आप दोनों में से क्या ऑप्शन चूज करेंगे, कि जो हैंड रिटन नोट्स आएगा उसे मैं टाइप करवा दूं चैप्टर वाइज, या फिर वो कॉपी ही स्कैन करके भेजूं, दो ऑप्शन है आपके पास। हाँ, समझ गए। अर्पानेट का फुल नेम होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, सौरव सिंह, ठीक है। चलो हम देखते हैं हम इसकी व्यवस्था कराते हैं, ठीक है, चलो ठीक ठीक है। आज की क्लास हम यहीं पे क्लोज करते हैं और फिर हम लोग कल अपने समय से मिलेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है, कल अपने समय से मिलेंगे, फिर हम लोग मिल के बात करेंगे, ठीक। हाँ IP एड्रेस आ गया है प्रयास, IP एड्रेस और TCP, ठीक है सभी लोगों को थैंक यू, बाय बाय।
मैं लिख देता हूँ अर्पानेट लिख देता हूँ, ठीक है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये होगा आपका, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क।